करेंगे अपने कैमरे वो टेंशन छोड़ दो, आप कंप्यूटर पे जाएंगे और लैपटॉप पे सर्च के इधर देख। लिए। नहीं आ रहा चिंता अच्छा क्या हो गया तो उनका थोड़ा क्लियर लेना शॉर्ट।
भैया एंगल उतार रहे, वजन ज्यादा हो गया लग नहीं। इससे बड़े ऐसा एंगल फसा लेंगे, ऐसा एंगल फसा लें, ऐसा एंगल केवल मोबाइल नहीं मिलेगा। चलिए चलिए ओके ये वो एंगल दे रहा है कौन, उस पेंट से ऊपर वाले पे चाहिए, नीचे से उंगली लगाई। करो इसी भी कह रहे, 1 मिनट इस पे लगा लिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसी रखो ना, इससे क्या दिक्कत हो रही है, तो हम कर रहे हैं तुम जाएंगे। तुम छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कई बार
रिकॉर्डिंग चलती रहे, रिकॉर्डिंग करते रहो, रिकॉर्डिंग मौजूद सभी जनों को मेरा नमस्कार। मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इंकलाब लिख जाता है। हमारा शहर शाहजहांपुर, जिसे हम शहीदों की नगरी के नाम से भी जानते हैं और जिसकी इस पवित्र, पावन और प्रतिष्ठित भूमि पर अनेक स्वतंत्रता सेनानी हुए, जैसे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह। सिर्फ यही नहीं, ऐसे ही अनेक महान शख्सियत हैं जिन्होंने हमारे शहर की धरती पर जन्म लिया और आज इसी कड़ी में मैं
अंडर अफसर अनुष्का प्रधान, 25 UP बटालियन NCC शाहजहांपुर, गांधी पैग्राम कॉलेज की छात्रा, आप सभी को एक और ऐसे ही शख्सियत का स्मरण कराना चाहती हूँ। एक भारतीय सैनिक जिनका जन्म एक राठौर राजपूत परिवार में 21 नवंबर 1916 में शाहजहांपुर के खजूरी गांव में हुआ था और जिनको भारत पाकिस्तान युद्ध में 1947 में अद्वितीय साहस का योगदान देने पर 1950 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जिनके व्यक्तित्व की पहचान उनके देश प्रेम से होती है, जिन्होंने इस शहर की मिट्टी में जन्म लेकर इसे और पावन बनाया, मैं कोई और नहीं नायक जदुनाथ सिंह TVC हैं। अपने चरित्र और कल्याण के लिए उन्हें हनुमान भगत बाल ब्रह्मचारी के नाम से जाना जाता था। श्री जदुनाथ का इस देश के प्रति समर्पण काबिले तारीफ है और उनकी देश सेवा की शुरुआत सेना में भर्ती होने के बाद ही हो गई थी। भारत पाकिस्तान युद्ध 1947 में भी उनका काफी बड़ा योगदान था तथा इस युद्ध में वह वीर गति को प्राप्त हुए थे। श्री जदुनाथ सिंह जी के सम्मान में भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई। उनके सम्मान में शाहजहांपुर में उनके गांव खजूरी में एक खेल स्टेडियम का नाम परमवीर चक्र नायक जदुनाथ सिंह स्टेडियम रखा गया था। अब अंत में मैं कुछ खूबसूरत पंक्तियों के साथ अपनी इस वाणी को विराम देना चाहूंगी। देशभक्तों को लोग अक्सर पागल कहते हैं कि देशभक्तों को लोग अक्सर पागल कहते हैं, कह दो उन्हें सीने पर जो जख्म है सब फूलों के गुच्छे हैं, सीने पर जो जख्म है सब फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अनुष्का जी। मैं मेजर अनिल कुमार मालवी, सीनियर मोस्ट NCC ऑफिसर 25 बटालियन NCC शाहजहांपुर, सीनियर लेक्चरर श्री SDS इंटर कॉलेज शाहजहांपुर, परमादरणीय DM साहब सहित यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का अभिवादन करता हूँ। आज एक ऐसा अवसर है, हम उस महान सेनानी का स्मरण करने जा रहे हैं जिसने शाहजहांपुर का ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व में अमर कर दिया था। शाहजहांपुर का एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र कलान तहसील, उसमें पैदा हुआ एक बहुत ही गरीब घर में एक छोटा सा बालक, 8 भाई बहनों में जो तीसरे नंबर पर था, वो जब बड़ा हुआ तो उसके अंदर भारत माता को भारत माता के प्रति समर्पित होने की भावना ही उन्हें मार गई थी और वह ब्रिटिश और भारत की सेना में 1941 में भर्ती हुआ। बर्मा से झड़प में आगे बढ़ करके ब्रिटिश सेना की तरफ से वो लड़े। जिस समय भारत आजाद हुआ 1947 में नौशेरा सेक्टर जम्मू और कश्मीर में, जब पाकिस्तान की सेना ने भारत की अखंडता को तार तार करने के लिए आक्रमण किया, तब नायक जदुनाथ सिंह को 30 सैनिकों की टुकड़ी का नेतृत्व सौंपा गया और कहा गया कि आपको इस चौकी की रक्षा करनी है। उनके दिल में जो जज्बा पैदा था कि मुझे मर जाएंगे लेकिन अपनी चौकी को दुश्मन के हाथों में नहीं जाने देंगे, 27 में से 24 जवान शहीद हो गए, लेकिन उस अमर बलिदानी का हौसला टूटा नहीं और हंसते हंसते नायक जगन्नाथ सिंह ने अपने प्राणों की आहुति अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उन्हें पता था कि जिस जनपद के वो रहने वाले हैं वहां पे इश्फाक उल्लाह खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह ने हंसते हंसते फांसी का फंदा देश के देश को आजाद कराने में चूम लिया था। मानो प्राण 1950 में इस नायक इस अमर सेनानी को भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार था सेना का परमवीर चक्र से नवाजा गया। यहाँ पर उपस्थित युवाओं से मैं एक ही बात कहूंगा कि कुछ लोग इतिहास बनाते हैं और कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं,
तो इस वीर सेनानी ने इतिहास बनाया है। हंसते हंसते आपको भी जब अवसर मिले तो भारत वर्ष पर अपना जान कुर्बान कर दीजिएगा। बात समाप्त करते हुए मेजर अनिल मालवी, अब आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं झारखंड दिव्यांशु मिश्रा 25 डिग्री बटालियन शाहजहांपुर एसएफपीजी कॉलेज की छात्रा हूँ। मैं नायक जगन्नाथ सिंह जी की शौर्य गाथा के विषय में बताना चाहती हूँ कि जिस समय वे पाकिस्तान से लोहा ले रहे थे तब उनके अंतःकरण में क्रांति की ज्वाला दीप्तमान होते हुए उसे जो कुछ भी कह रही थी उसको मैं अपनी कविता के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। अब कोई सपना न देखिए धरती बांटती जाएगी, अब कोई सपना न देखिए धरती बांटती जाएगी, जो पाकिस्तान पुकारेगी वो जीभ काटती जाएगी, जो पाकिस्तान पुकारेगी वो जीभ काटती जाएगी। जिनको भी मेरे भारत की धरती से प्यार नहीं होगा उनको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा, उनको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। धरती से ऊपर से कहना, धरती से ताल समंदर से कहना, कहना कारगिल की घाटी से, गुवाहाटी से, चौपाटी से, खूनी परिपाटी से कहना, दुश्मन की माटी से कहना, कहना लो भी मक्कारों के जासूसी करने वालों से, जो मेरा आंगन तोड़ेगी वो बाह तोड़ दी जाएगी, जो आंख उठेगी भारत पर वो आंख फोड़ दी जाएगी, जो आंख उठेगी भारत पर वो आंख फोड़ दी जाएगी। संसद का बंटवारा कोई अंधा रोष रहा होगा, जिन्ना की भूख रही होगी गांधी का दोष रहा होगा, जो भूल हुई हमसे पहले वह भूल नहीं होने देंगे, हम एक इंच भी धरती का भारत से ना कटने देंगे, हम एक इंच भी धरती का भारत से ना कटने देंगे। जो सीमा पार पड़ोसी है उसको तो क्या समझाना है, जो सीमा पार पड़ोसी है उसको तो क्या समझाना है, वो बंटवारे का रोगी है, उसका ये रोग पुराना है। लेकिन रावलपिंडी वाले अपने सामन में तो जाके अपने घर का आलम देखे, मैंने अंगन में ना जाके भारत में दखल अंदाजी की तो पछताना पड़ जाएगा, रावलपिंडी लाहौर कराची तक भारत कहलाएगा, रावलपिंडी लाहौर कराची तक भारत कहलाएगा। जय जय भारत। अब मैं हमारे जनपद के जिला अधिकारी महोदय श्री इंद्र विक्रम सिंह जी से अनुरोध करती हूँ कि वे यहाँ मंच पर आए और हमारे वीर सैनिकों के लिए दो शब्द कहें और हमारा उत्साह वर्धन करें। धन्यवाद। आजादी के अमृत महोत्सव के पर्व के अवसर पर आज जनपद शाहजहांपुर में इसे शहीदों की नगरी के रूप में जाना जाता है और जिसका इतिहास 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से शुरू होता है और देश की आजादी तक कंटिन्यू होता है। वहां की पावन धरती पर हम अजबी नामक छोटे से ग्राम में पैदा हुए अपने सैनिक नायक जगन्नाथ सिंह जी की स्मृति में एकत्रित हुए हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि जनपद शाहजहांपुर से इस अमर सेनानी ने जन्म लिया था और जैसा कि हम सब जानते हैं भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश की रक्षा में अपनी चौकी पर डटे रहने के लिए, अपने 27 सैनिकों की बलिदान के बावजूद टिके रहने के लिए हम उनको परमवीर चक्र से, जो कि सबसे बड़ा सैनिक सम्मान है, उनको नवाजा गया है। शाहजहांपुर की धरती में जन्मे शहीद जगन्नाथ सिंह जी के परिजनों के लिए, उनके गांव के विकास के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो करने की कोशिश की गई है, लेकिन इन शहीदों को और इनके शहीदों के परिजनों और इनके पुरजनों के लिए जो भी किया जाए वो कम है। इसलिए नई पीढ़ी को, विशेष रूप से युवाओं को, ये जानने की जरूरत है कि देश की आजादी में कितनी बड़ी कुर्बानी दी गई है और उस कुर्बानी को ध्यान में रखकर देश निर्माण में, समाज निर्माण में और आजादी के महत्व में
उन्हें अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। शहीद जगन्नाथ सिंह की पावन स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में मैं एनसीसी के बच्चों को और उनके अफसर को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने जनपद शाहजहांपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और अपने सैनिकों को जो कि बॉर्डर में रहकर देश की रक्षा में निरंतर सतत क्रियाशील रहते हैं उनको स्मरण करता हूं और ये भरोसा दिलाता हूं कि जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, जो तंत्र है, वो उनके लिए हर समय खड़ा रहेगा और उनकी कुर्बानियां, उनका बलिदान, उनका कठिन श्रम, एक एक शहरी, एक एक नागरिक हरदम अपनी स्मृतियों में संजो कर रहेगा। आज के इस पावन अवसर पर एक बार पुनः सभी को शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद। अब हमारे कार्यक्रम की यहीं पर समाप्ति हो। कुछ बोल तो बहुत बोलो वीडियो रोकना ना बोल रहे हैं क्या बोलूँगा।